लखनऊ में एक बार फिर बार में जमकर बवाल हो गया। इस दौरान जमकर लात घूमते चले। दरअसल लखनऊ की समिट बिल्डिंग में शुक्रवार देर रात जमकर बवाल हुआ। रात करीब 1 बजे यहां के बूम बॉक्स बार में लड़के लड़कियां नशे में डीजे पर डांस कर रहे थे। इसी दौरान किसी लड़की से छेड़छाड़ को लेकर विवाद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बूम बॉक्स में हुआ झगड़ा। लोगों के मुताबिक समिट बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रात 1 बजे शराब परोसी जा रही थी। करीब 150 से ज्यादा लड़कों की भीड़ डीजे पर डांस कर रही थी। इसी दौरान किसी लड़के ने एक लड़की को छेड़ दिया। लड़की और उसके दोस्तों ने विरोध किया तो दूसरा पक्ष विवाद करने लगा। वहीं देखते ही देखते दोनों पक्षों में लात घूंसे चलने लगे और मारपीट होते देख वहां भगदड़ मच गई और जमकर बवाल। वहीं विभूति खंड इंस्पेक्टर डॉक्टर आशीष मिश्रा का कहना है कि पुलिस पहुंची तो बार बंद हो चुका था, सभी लोग भाग गए थे। शनिवार को मारपीट का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहे लड़कों की पहचान कराई जा रही है और बार संचालक से भी पूछताछ की जा रही है। बता दें कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी समिट बिल्डिंग में विवाद होते रहे हैं। 16 अप्रैल की रात पर यहां पर एक बार के अंदर मारपीट हुई। नशे में धुत बार के बाउंसर ने अपने ही मैनेजर को पेन से गोद डाला था। करीब 1.5 महीने पहले एक बार में डांस करने को लेकर समिट बिल्डिंग में चाकूबाजी की हुई थी। इस घटना में 3 लोग घायल भी हुए थे, लेकिन पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई।